लैविश तो तुसा मेरा चैनल लेते पे हो मेरे अपने नाँ पर जन्म में सारे तमाम दोस्तों की शुक्रगुजार हाँ जिन्हें मेरे को इतनी सपोर्ट की और आज मैं ही मकाम पर पहुंची हाँ। अल्लाह ताला तो को खुश रखे सदका माहे रमजान तो तुसा आबाद रहो और तुरे दिल जेरिया भी जायज़ हा जाते हैं अल्लाह ताला माहे रमजान के सदके पूरा करे और गैर हाजिरी की वजह मैं तो बयान कर चुड़े सके मेरी कुछ तबीयत खराब रही तो सड़े दे पे सो मैं को बुखार रही और दो त्रै दिन हारा मैं हॉस्पिटल से एडमिट रही और मेरे बेटे की भी तबीयत खराब रही उनको भी हैजे का मसला थी गई ही वजह तो मेरी गैर हाजिरी त्रै चार दिन हारा चैनल तो रह गई अच्छ कुछ मेरी तबीयत बेहतर थी है तो मैं सोचे मैं अपने तमाम दोस्तों नाल दुआ सलाम कर गिना जिन्हें जेडे कि मेरी गैर हाजिरी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी ना मेरी तबीयत खराब रहेगी और मेरे बेटे की भी तबीयत खराब रहेगी जैसी वजह तो चार पाँच दिन हारा मेरे चैनल पर मेरी नवी वीडियो कोई भी नहीं आ सकी जैसे वास्ते मैं तमाम दोस्तों को माजरत करें और दिली खुशी भी थी कि तुम सारे दोस्त कमेंट किए कि क्या गाल है मैं विश तुम्हारा नवी वीडियो नहीं आंदा पाया तो मैं सोची अज पहले पहले मैं सारे दोस्तों के ना शामिल करा क्योंकि काफ़ी दिन हारा थी गए तुम्हारे ना मैं शामिल कह नहीं किए अज की क्यों इन्हें वीडियो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर के ना शामिल करे स और जिन्हें इन्हें शामिल करण तो रह वजे ना मैं उन्हें को एडवांस माजरत करे स सब को पहला कमेंट में शामिल करे था अमजद बलोच दा जिन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट की थी और मेरे दिल को एक बहुत ज़्यादा खुशी और फ़खर महसूस था लेकिन मैं भी जी इस फील्ड में मैंने बहुत सी औरतों को देखा है जो जल्द शोहरत हासिल करने के लिए नंगे ड्रेस भी पहनती हैं बेहुदा लिबास भी पहनती हैं लेकिन आपकी ड्रेसिंग और आपका लुक बताता है कि आप किसी अच्छी और मौजूद फैमिली से ताल्लुक़ है और आपके माँ बाप ने आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तरबियत की है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया जनाब मैं को इतनी इज्जत रेवन वास्ते मैं जनाब ई फील्ड आई हाँ अपनी मजबूरी को नोई हाँ तुम देख सकते हो कि मेरे छोटे छोटे त्रै बाल हैं उन्हें को पालन वास्ते मैं ई फील्ड आई हाँ ना मेरी अम्मी है ना मेरा अबू है मैं ई फील्ड अगर आई हाँ तो शोहरत हासिल करनी है मैं थोड़ी शोहरत हासिल करना चाहनी हाँ लेकिन सिर्फ मैं यहाँ हद तक हासिल करना चाहनी हाँ कि लोग मेरे को अच्छे लफ्ज़ ही याद रखे लोग मेरे को ही ना कहे कि औरत ही इन सा वीडियो बड़े नहीं अगर मैंने दुनिया को टूर वजन तो बाद लोग मेरे को ई लफ्ज़ याद रखे कि यार एक मैं भी सही वो वीडियो बड़े नहीं लेकिन अच्छा बड़े दी आई मैं शोहरत कम हासिल करना चाहनी हाँ लेकिन उतनी हासिल करना चाहनी हाँ जैन लोग मेरे को अच्छे लफ्ज़ याद रखे मैं ई फील्ड चाहिए तो मेरे शोहर तो मेरे को डिवोर्स थी उन्हें तो बाद मेरे बाले की वाइद कपील मैं हम ही मेरी अम्मी भी कहनी मेरे अबू भी कहनी मेरी डेथ थी गई अज का जरा दौर होंगे जो तो पता है भेड़ मेरा हूँ सेल्फिश और मतलब परस्त होने मेरे बच्चे की खुद मैं वाहिद कफीला माँ भी हाँ प्यो भी हैं इन्हें सारिया जरूरत मैं पूरिया करने हैं मैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नौकरियां भी कितने जॉब भी कितने लेकिन उन्हें मेरे को इतनी इनकम ना थी नहीं जितनी कि इन फील्ड मेरे को देर थोड़ी थी है इन्हें मेरे को इतनी इनकम हासिल थी नहीं है कि मेरे जेरे बच्चे और मेरे जरूरत है जायज़ हद तक असापड़ा पूरिया कर सकती हैं लेकिन मैं अगर शोहरत हासिल करण ते आवा मैं भी लोगों को ट्राउजर शर्टा पावा पेंटा शर्टा पावा बेहूदा लिबास पावा कि नहीं मेरे को शोहरत मिलती ना मैं इन शोहरत हासिल नहीं करना चाहती जैन के लोग मेरे को गंदे लफ्ज़ ही याद करे अलहमदुल्ला मेरे को अपने सराइकी होमर तो फ़खर है और अपनी ड्रेसिंग मेरे को यही अच्छी लगती है और मेरे को अपनी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा पसंद है इन मेरे को इतना पता है कि कहीं गलत मर्द की गलत नज़र मेरे उत्ते ना पोसी बाकी मैं थोड़े तो बहुत ज़्यादा खुश हाँ कि तुम इतना मेरे को मतलब इज्जत की थी उन मैं अमजद बलोच साहब तुरी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हाँ जनाब सब को पहला कमेंट में शामिल करे सा असद खान का असद खान लिख दिन अस्सलाम वालेकुम मैं विश आप हम बहुत अच्छी लगती हूँ और मैं सऊदी अरब से आपकी सारी वीडियो बहुत शौक से देखता हूँ और मेरा नाम और कमेंट मेरा ज़रूर शामिल करें जी जनाब असद खान हमदानी मैं दूजा कमेंट शामिल करे सा शौकत खोसे दा शौकत खोसा लिख दिन अस्सलाम वालेकुम मैं विश साहिबा क्या हाल है उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी आपका चैनल बहुत शौक से देखते हैं मैं भी और मेरी फैमिली भी अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ अता करे आमीन शौकत खोसा साहब मैं तुम्हारी दिल तो मशहूर हाँ तीजा कमेंट शामिल करे सा मैं गफार बुगलानी दा गफार भाई चोटी तो हिन जिमें के सारे दोस्तों को पता है गफार भाई लिख दिन मैं विश बाजी मेरा भी कमेंट शामिल करो जी हाँ भैया गफार भाई थोड़ा भी कमेंट शामिल थी गए इन्हें तो बाद शहबाज बलोच लिख दिन मैं आपकी हर वीडियो शौक से देखता हूँ आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है आप हमारे सराइकी खित्ते का फ़खर और मान है अजीज़ शाह साहब जिद्दा सऊदी अरेबिया तो साढ़े नाल लिख दिन मैं भी जी आप हमारे सराइकी खित्ते का फ़खर और मान हो आपको देखकर हमें दिल से खुशी और फ़खर महसूस होता है कि एक सराइकी खित्ते की हमारी औरत भी हमारे सराइकी खित्ते का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही है जी जनाब मैं दिल तो तुम्हारी मशहूर हाँ बहुत ज़्यादा शुक्रिया जी जनाब उन्हें तो बाद इन हमीद जोहरानी सारे नाल लिख दिन मैं विश बहुत 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 मुबारक कि तुम्हारा चैनल मोनोटाइज थी हमीद जोहरानी साहब ये तुसा दोस्त ने सपोर्ट नाल थे और मैं तुम्हारी दिल तो मशहूर हाँ उन्हें तो बाद इरफान सलीम इन सारे नाल बहावलपुर तो लिख दिन मैं विश आप बहुत मेहनत कर रही हैं अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ अता करे
मेरा कमेंट ऐड ज़रूर करना। इरफान सलीम बहावलपुर। जी जनाब, इरफान सलीम साहब बहुत ज़्यादा शुक्रिया, अल्लाह ताला तुहाकू भी आबाद रखे। जी जनाब, हूँ सारे नाले सुहेल बलोच, सुहेल बलोच लिख दिन साकू हूँ पता लगे कि सोहने बंदे को देख के इस्लाम में माशाल्लाह आखन क्यों रिवायत शामिल है। हमेशा दी तरह तुसा आज भी बहुत प्यारे लगते पे वे जनाब, बहुत बहुत ज़्यादा मैं तेरी शुक्र गुजारा। ये तुरा प्यार मुहब्बत ते इखलाक है कि तुहाकू मैं अच्छी लगती हाँ क्योंकि तुम खुद अच्छे वे। उन्हें तो बाद शायद हसन लिख दिन शाला नज़र न लगी, जो लग गई पी तो क्या थी पोजी। आसिफ परदेसी लिख दिन, मैं विश आपका वर्क बहुत अच्छा है, आपका चैनल बहुत अच्छा है, मैंने आपके सारे चैनल का विजिट किया है और आपकी हर वीडियो बहुत अच्छी होती है, शुक्रिया भाई। उन्हें तो बाद इमरान खान सारे नाल, माशाल्लाह जींदी रहे वसदी रहे, थैंक यू जनाब। जी जनाब, नेक्स्ट कमेंट में शामिल करें साहब फलक खान दा, फलक खान दिन कैसी हैं आप भी, कैसे दिन गुजर रहे हैं और माह रमज़ान के रोज़े कैसे जा रहे हैं। भैया अल्लाह पाक दा शुक्र है, मैं भी ठीक हाँ और रोज़े भी अच्छे वेंदे पेन, कुछ रखेंदे पे, कुछ बुखार थी गई, थोड़ी तबीयत ठीक है ना, ये वाल कुछ कह नहीं रखे और अज भी रोज़ा कह नहीं क्योंकि बुखार की वजह टैबलेट वगैरह लिखन दी पी हाँ। उन्दे तो बाद इशफाक अहमद लिख दिन, सारे सरायकी खिते की शान सारी महविश खान, जनाब ये तुहाड़े प्यार मुहब्बत ते तुहाड़े इखलाक है कि तुसा मैनू इतनी मान लेंदे पैवे जी। उन्दे बाद मोहम्मद फारूक इन सारे नाल लिख दिन, वेरी नाइस वीडियोज़ और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं आप, थैंक्स जनाब। उन्दे तो बाद दिन बच्चू खान, बच्चू खान लिख दिन, अस्सलाम वालेकुम महविश, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगी और सारे रोज़े रख रही होंगी, लेकिन हो कि मैं कहे रोज़े रखे, कुछ रखे तो बुखार थी गए, गर्मी के रोज़े बहुत औखे न। जी जनाब, उन्हें तो बाद खलील अहमद इन सारे नालिक दिन, माशाल्लाह माशाल्लाह वसदी रहे महवेश खान, वसदी रहे, अल्लाह ताला तो को भी वसदा रखे, खुश रहो आबाद रहो, तो साको अपने दुआइए इवें याद रखो। उन्हें तो बाद दिन रफीक बुजदार सारे नाल, माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं आपकी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जनाब, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्हें तो बाद दिन सारे नाल अरशद खान जंगलानी, बहुत ही ज़बरदस्त और नाइस बंदे और ज़बरदस्त किस्म के कॉमेंट करें मेरे चैनल पर। जी जनाब, सब को जिन्हें अच्छा कमेंट मैं को लगे वो इन अमजद बलोच, अमजद बलोच साहब पता नहीं केड़ी सिटी तो ताल्लुक रखें दिन, लेकिन लिख दिन मैं भी जी इस फील्ड में बहुत सी औरतों को देखा है लेकिन आपकी ड्रेसिंग और आपका लुक बताता है कि आप किसी मौजेज और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। आपकी ड्रेसिंग जो और आपका जो अंदाज़ है वो बहुत ज़्यादा मशरक़ी है और बाशऊर औरतों जैसा है, इसी वजह से हम आपकी वीडियो बहुत शौक फ़ख्र और ख़ुशी से देखते हैं। अमजद बलोच साहब अल्लाह ताला तो को खुश रखे। मैं ई फील्ड ई मतलब तो नहीं है कि मेरी एक शोहरत हासिल थी, मैं को मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें की वजह तो मैं ई फील्ड चाहिए और उन्हें दिवाहद खुद कफील मैं हाँ। मैं ई चीज़ को अपने हद से अपनी लिमिट रह के मैं काम कर चाहनी हाँ, मैं अपनी लिमिट क्रॉस करके कोई काम नहीं करना चाहनी हाँ। मैं दुनिया तो डेदी बदी अगर मैं पावं तो उन्हें लिखा ट्राउजर शर्टा पेंटा शर्टा बेहूदा लिबास पा के मैं बहुत जल्द शोहरत हासिल करा, लेकिन मैं वो शोहरत हासिल नहीं करना चाहती जैसे कि मैं अपने जिसम की नुमाइश करा। मैं को अपना सादगा सादा लिबास बहुत पसंद है और मैं को अपने उत्ते सरायकी होवण से भी फखर है और अपने माँ प्यो की तरबियत से भी फखर है कि अल्लाह ताला दा लख लख शुक्र है कि उन्हें मेरी अम्मी खास तौर पर मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है कि मैं ई फील्ड से चार साल तो हाँ, लेकिन उनके बावजूद मैं कोई भी इंजा शौक अपने जहन च नहीं रखा कि मैं इंजी ड्रेसिंग करा या इंजा अंदाज रखा या इंजा लुक अपनाव तो मैं बहुत जल्द शोहरत हासिल करे सा। मैं थोड़ी शोहरत हासिल करना चाहनी हाँ लेकिन इंजी करना चाहनी हाँ जहन लोग मेरे को अच्छे लफ्जे याद रखे, लोग मैं कोई ना आके कि सही हो मैं भी सही देखो आज उनकी ये वीडियो ही पी आज उन्हें ये कपड़े आना जो आना मैं को अल्हम्दुलिल्लाह अपने सरायकी होवण ते फखर है, अपनी अम्मी की तरबियत ते फखर है और अपनी ड्रेसिंग ते भी फखर है कि बस मैं ठीक हाँ, मैं सादी लिबास पहनी हाँ, नंगे नहीं पहनी हाँ, मैं अपने जिसम की नुमाइश नहीं करनी हाँ। ये फील्ड चावन मेरी सिर्फ यह मजबूरी है कि मैं अपने घर की वाहिद खुद कफील हाँ, मेरे छोटे छोटे बाल हैं हद तो मैं तुसा तमाम देखने वाले को गुजारिश करे सा कि मेरे चैनल की सपोर्ट करो ताकि थोड़ी सी तो इनकम आवे और मेरे घर ढेर थोड़ी मेरे बच्चे दिन जरूरत आसानी मैं पूरा कर सका। मेरा अम्मी कहनी अबू कहनी मेरे बहन भाई भी बस तुमको पता है बहुत ज़्यादा अज का जोड़ा दौर है बहुत ज़्यादा सैल्फिश है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें वायद मैं अम्मी भी मैं हाँ अबू भी मैं हाँ और उन्हें जेरिया भी जरूरत हैं वो मैं पूरा करने इन दुनिया से बाकी अल्लाह ताला आदे हीला कर वसीला मैं हाँ। और चार साल तो मैं ये फील्ड चाहिए बस अल्लाह पाक का लख लख शुक्र है कि मैं इतना ही फील्ड चो आके ढेर थोड़ा कमा गिंदी हाँ जैन इज्जत दी मैं तो मेरे बच्चे रू टाइम की रोटी खा गिंदे से। जनाब अमजद साहब मैं तुम्हारी दिल तो मशहूर हाँ कि तुसा मैं को इतना मान दीते इतनी इज्जत दी थी इन मैं इजाजत दी। जी जनाब, मैं यहाँ सरायकी थे मेरी शादी थी पंजाबी इंच, काफ़ी दोस्त मेरे कमेंट की थी मैंने मेरी बेटी की वीडियो देख के मैं भी जी तुम्हारी बेटी अगर तुम्हारी बेटी है तो पंजाबी इस गाल क्यों करेंगी भी है। जनाब उन्हें दोस्तों की कंफ्यूजन दूर करने वास्ते मैं आज अपनी बेटी मायरा को खुद नाल गिन के आई हाँ
तो मैं तुम्हें यह दसना चाहनी हाँ कि मैं सराइकी हाँ, मेरी शादी जो पंजाबी थी है, जेरे भी मेरे बच्चे हैं सारे पंजाबी वाले ने, और ही वजह तो इन्हें को सराइकी इतनी समझ नहीं आती। अज मैं अपनी बेटी थोड़ी करे सा गपशप, तो उम्मीद करे सारी पंजाबी की माँ बेटी की गपशप तो पसंद आओ सी। अगर पसंद आओ सी तो पहले कमेंट से लाजमी करे सो, ताकि मैं नैक्सट वीडियो भी अपनी मायरा नाल बनावा। की कर दी पी है? क्यों पत्ते पाट दी पी है? खेडण वास्ते। अच्छा घरे चलिए, घरे चलिए, थक गई है? थाली को नहीं थकी हुई, मैं छिदकी जावा। चलो खेडो, क्या हुआ?